गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरा नाम जैन चितुवेदी दोस्तों आज हम किस विषय पर बात करेंगे आज हम बात करेंगे कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हमें क्या है इस फीडर की पूरी लेंथ जाननी हो क्योंकि ये आप देखिए सोर्स है यहाँ पर ये जो स्यौधा लिखा हुआ है ये ये पोर्शन आपका जो है क्या सोर्स है और इसके बाद ये पूरा कंडक्टर है इधर है ना कंडक्टर और डीटीआर टी जहाँ पर जो भी आपके फीडर में होगा लेकिन अगर मान के चलिए मुझे मैंने जैसा पहले वीडियो में देखा था कि अगर हमें क्या करनी है इस पूरे फीडर की लेंथ जाननी तो हम क्या करते थे एक सिम्बल देखते थे जिसमें क्या था रिकॉन्फिग्रेशन ऑफ नेटवर्क एंड कंडक्टर लेकिन अब अगर हम स्क्रीन पे देखें तो वो हमें सिम्बल नहीं दिख रहा है ठीक है तो हमारा वीडियो का मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है कि आखिर वो सिंबल स्क्रीन पर कैसे दिखे जिससे कि हम उसको क्या है सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर डबल क्लिक करें तो हमारा पूरा जो इंटायर नेटवर्क है फीडर का वो पूरा क्या है सिलेक्ट होके बता दे कि कितना लेंथ है तो देखिए अभी तो नहीं दिख रहा है अगर हम किसी भी सिंबल पे जाएंगे तो नहीं होगा इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आप जाइए व्यू पे ठीक है मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं किस पे जाना होगा व्यू पे जाएंगे व्यू पे जाने के बाद आप किस पे आइए टूल बार्स पे ठीक है टूल बार्स दिख रहा है टूल बार्स में आने के बाद आप आइए कहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा और मैं जूम करूँगा टूल बार्स में आने के बाद आप आइए एडवांस एडिटर्स टूल्स ठीक है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्लिक हो गया अब क्लिक होते ही देखिए आपको ये सिंबल यहां पर दिखने लगा रिकॉन्फिग्रेशन ऑफ द कंडक्टर एंड फेस तो मतलब जब आपको कभी क्या है स्क्रीन पे ये सिंबल नहीं दिख रहा हो कि भाई नेटवर्क को पूरा कैसे सिलेक्ट किया जाए तो आप कैसे करेंगे या आपने समझ लिया ना कि आपको जाना होगा व्यू पे व्यू पे जाने के बाद आप आइए टूल बार्स टूल बार्स में आने के बाद आप आइए एडवांस एडिटर टूल बार्स अभी अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो हट जाएगा क्योंकि देखिए ये यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है कि ये क्लिक हो चुका है जो जो डिटेल है मतलब स्क्रीन पे दिख रही है वो यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक है अब देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था तो ये मैंने सिंबल को क्लिक किया यहाँ पर एक बार आपको क्लिक करेंगे तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया अब इसको हमें आना कहाँ पर है ये जैसे संौधा क्या है फीडर है ठीक है तो ये आपका उसका सोर्स हो गया और सोर्स के बाद आपका क्या है ये पूरा आपका फीडर है तो देखिए ये यहाँ से हमने सिलेक्ट कर दिया पूरा सिलेक्ट हो गया अब ये यहाँ से हमने जैसा पिछले वीडियो में देखा था तो हमको क्या है पूरी लेंथ तो पता चल गई कितनी है आठ मीटर यहाँ पर ये लिख के आ जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग है ये आपको यहाँ पर कितने का कंडक्टर है तो ये आपको डिटेल क्या इस तरह से पता चल जाएगी हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव क्या था इस वीडियो का कि आखिर अगर ये रिकॉन्फिग्रेशन ऑफ कंडक्टर एंड फेस का सिंबल नहीं दिख रहा हो तो उसको हम कैसे स्क्रीन पर लेके आए ताकि जब हम क्या है इसको एनालिसिस करें या फीडर को पूरा सिलेक्ट करें तो हमें आसानी हो ये जानने में कि आखिर फीडर कितने लेंथ का है ये मान लीजिए मैंने अभी तो 800 मीटर हो सकता है आपका फीडर 50 किलोमीटर का हो सौ किलोमीटर का हो डेढ़ किलोमीटर का हो और अगर उसकी पूरी प्रॉपर इस पर मॉडलिंग हुई होगी तो वो बता देगा कि आपके फीडर की टोटल लेंथ कितनी है फीडर की लेंथ भी बता देगा ब्रांच की भी लेंथ बता देगा आपको ब्रांच में उस पर्टिकुलर पोर्शन से सिलेक्ट करना पड़ेगा देखिए जैसे अभी मैंने यहां से सिलेक्ट किया तो ये पूरे फीडर की लेंथ आया अब सपोज करिए अगर मैं कहां से यहां कहीं से सिलेक्ट करूं ठीक ये यह यहां से सिलेक्ट किया तो ये वाला पोर्सन तो वो हो गया केवल रिमेनिंग पोर्सन आ जाएगा तो ये देखिए कितना आ गया यहां पर दो मीटर तो इस तरह से आपको क्या है डिटेल पता चल जाएगी देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ लेंथ किस पे है मीटर में तो इस तरह से आप क्या है समझ सकते हैं कि आखिर आपको रिकॉन्फिग्रेशन ऑफ आप कंडक्टर एंड फेस का सिंबल कैसे लेके आना है स्क्रीन पे उसके आधार पे आप फीडर सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो